नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी से संबंधित एक बड़ी खबर। क्या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर भी भरना होगा जीएसटी? सोचने वाली बात है। जीएसटी ने स्टेट और सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की जगह ले ली है। जीएसटी काफी प्रोडक्ट्स पर लागू होता है, जिसमें फूड, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज शामिल हैं। कागज, पेन और पेंसिल जैसे ऑफिस सप्लाईज के साथ कई स्टेशनरी पर भी अब टैक्स पेबल है। आइए बढ़ते हैं आगे कि टैक्स पेबल होने से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 5% होगा। दरअसल इस टैक्स का अप्लाई होना आपके खरीदे जाने वाले स्टेशनरी प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। अगर प्रोडक्ट केवल पेपर और पेन से बना है तो जीएसटी लागू नहीं होगा। हालांकि अगर प्रोडक्ट में प्लास्टिक या मेटल जैसे दूसरे मटेरियल शामिल है तो जीएसटी अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि टैक्स प्रोडक्शन के बजाय कंजम्पशन पर लगाया जाता है, इसलिए स्टेशनरी गुड्स के प्रोडक्शंस में शामिल बिजनेसेस के लिए पॉसिबल है कि कम चेंजेस होंगे। दूसरी बात, ज्यादातर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर 5-6% जीएसटी टैक्स लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पेन और पेंसिल पर 12% की ज्यादा रेट से टैक्स लगाया जाएगा। जब जीएसटी की बात आती है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना और जरूरी हो जाता है, जैसे जीएसटी कॉस्मेटिक, फूड प्रोडक्ट, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल है जिनकी कीमत 50,000 रुपए से अधिक है। लेकिन सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि लिमिट को घटाकर 25,000 रुपए कर दिया जाएगा। जीएसटी 18% की स्टैंडर्ड रेट के साथ एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट है, लेकिन किताबों, अखबारों और डायपर जैसे विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए 5% की कम रेट एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के भारतीय कंज्यूमर्स द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि इन प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है कि इन गुड्स की कीमतों में लगभग 2-3 रुपए हर सामान पर बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ रिटेलर्स ज्यादा प्राइसेस की भरपाई के लिए इन प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट भी देते हैं। स्टेशनरी ऐसी चीज है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजों में से एक है और इसकी महंगाई से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि स्कूल के प्रोजेक्ट से लेकर एक गृहिणी के रोज के खर्चे लिखने तक में उपयोग होता है। लेकिन देखा जाए तो दुकानदार ITC क्लेम कर सकते हैं और कई और फायदे ले सकते हैं। आज की न्यूज में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।